उनके साथ साथ में सभी अतिथियों का गणमान्य राज्य के मुख्य अतिथि को एक पौधा भेंट किया जाएगा और यहीं पर इस पौधे को मुख्यमंत्री के हाथों से रोपा जाएगा। इसके बाद में और एक पौधा रोपण का कार्यक्रम है होगा। कि फादर स्टैन स्वामी जैसे सोच को आगे ले जाया जाए और आज निश्चित रूप से हमारे जेल में अनेकों लोग मारे गए और झारखंड प्रदेश शहादत देने में भी कभी पीछे नहीं रहा। भगवान बिरसा मुंडा का इतिहास से लेकर फादर स्टैन स्वामी का इतिहास आज हम लोग देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं और हमारी आने वाली पीढ़ी को भी हमें यह बताने की जरूरत है कि हमने इस जीवन को इतना आसानी से नहीं पाया है। अगर हमारे पूर्वज संघर्ष ना कर रहे होते तो शायद आज हमारे बच्चे, हमारी आने वाली पीढ़ी शायद यूं ही भटकते हुए नजर आते। जहां तक हमारी नजर जाती है, जहां तक हमारी संभावनाएं जाती है, हम प्रयास करते हैं कि हम इन लोग ऐसे लोगों की जरूरत को हम कैसे पूरा कर पाए। कुछ चीजें जो हमारे बस में होती हैं, कुछ चीजें जो हमारे बस में नहीं होती। आज इसीलिए हम लोग फादर स्टैन स्वामी के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में एकत्रित हुए हैं। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।